नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। इस वक्त पूरा देश और साथ ही साथ बिहार कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में है, लेकिन इस वक्त अगर हम बिहार की बात करें तो आए दिन कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो बिहार सरकार और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की चरमराई हुई कुव्यवस्था की पोल खोलती नजर आती है। कई सारी ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी जहां अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लोग रोड पर घूम रहे हैं और कितनों को तो दवाइयां भी नहीं मिल रही, और साथ ही साथ इस आपदा को लोग एक अवसर के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें अलग अलग राजनीतिक दलों की, अलग अलग नेताओं की, तो वो भी अपने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जनता की सेवा की जाए। इस कड़ी में अगर सबसे पहला नाम किसी का शुमार है तो वो है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का। जी हाँ, पप्पू यादव मसीहा बनकर इस आपदा की घड़ी में लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी परेशानियों का समाधान करते हैं। एक बार फिर से पप्पू यादव पहुंचे हैं पटना के सरकारी अस्पताल NMCH में। दरअसल NMCH में पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया, साथ ही साथ उन्होंने पूरी तस्वीर दिखाई है कि किस तरीके से पिछले 24 घंटों से लाशें वार्ड में पड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इन डेड बॉडीज को उनके परिजन तक नहीं दिया जा रहा है, नहीं पहुंचाया जा रहा है, और इसी कड़ी में उन्होंने वहां के हेल्थ मैनेजर से भी बातचीत की है। आपको बता दें कि लगातार पप्पू यादव इस मुहिम में लगे हुए हैं, लगातार आए दिन वो पटना साथ ही साथ बिहार के अलग अलग ज़िलों में भी कई सारे अन्य अस्पतालों का दौरा कर चुके हैं, और इतना ही नहीं अब वो अपनी आवाज़ पर साथ ही साथ पप्पू यादव अब पूरे तरीके से लोगों की मदद करने के लिए लोगों के लिए खाना भी बनवा रहे हैं, कोविड अस्पतालों में खाना भिजवा रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से पप्पू यादव इस आपदा की घड़ी में लोगों की मदद करने में जुट गए हैं। फिलहाल ये तस्वीर NMCH की आप देख रहे हैं जहां पप्पू यादव पहुंचे हैं और हेल्थ मैनेजर से उन्होंने बातचीत की है। छोड़े जाते हैं आपको उनके पूरे वीडियो के साथ। हेलो, अभी आए सर, हम दवा दे रहे हैं, फोन को भी भरवाना खत्म हो गया, हम जा रहे अभी भरवाने के लिए कहीं पर। एक दिन हम विभाग है ना, इस पर जो नहीं है ना ऊपर कोई नर्स नहीं। सारा बंद ऊपर नहीं।